नमस्कार, वर्ड वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आशीष आपके साथ। वो कहते हैं ना कि वादा जो है तोड़ने के लिए ही तो किया जाता है। जी हाँ, कोई इस बात को समझे ना समझे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर समझ गए हैं। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि वादा तो बहुत सारा किए हैं, बहुत वादा किए हैं देश से, देशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन उन वादों को आज तक पूरा होते हुए किसी ने नहीं देखा। आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। वादा याद ही होगा आपको, लेकिन वो एक भी वादा आज तक नरेंद्र मोदी जी का पूरा नहीं हुआ है। एक भी वादा अगर आप बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी का वादा पूरा हुआ हो। कई वादे किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, चाहे वो बुलेट ट्रेन का वादा हो, पक्का मकान का वादा हो, काला धन लाने का वादा हो, हर घर 24 घंटे बिजली का वादा हो, हर घर में गैस पाइपलाइन बिछेगा, शौचालय और पता नहीं क्या, स्मार्ट सिटी, डिजिटल भारत, बहुत सारे वादे किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। इसी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी का मजाक भी बन रहा है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जरा ये बताइए कि आप कहते थे कि 2022 तक सब ठीक हो जाएगा, 2022 तक पक्का मकान हो जाएगा, 2022 तक काला धन आ जाएगा, 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी, तो 2022 कब आएगा, नरेंद्र मोदी जी का 2022 कब आने वाला है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार। कई तरीके के माध्यम, आर्टिकल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से ये सवाल पूछा जा रहा। हम आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहते हैं, उस आर्टिकल को देखिए। सोशल मीडिया पे ये वायरल किया गया है और इसमें देखिए क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मोदी एक झूठ कथा 2022। इसमें तमाम पॉइंट दर पॉइंट उन वादों का जिक्र किया गया है जो नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किया था। अब मैं आपको एक एक हेडलाइन, वो पेपर की ही कटिंग है, मैं एक एक लाइन आपको पढ़कर बताता हूँ उसकी हेडलाइन। 2022 तक सबको घर देने का सपना पूरा करेंगे पीएम मोदी। दूसरा देखिए, उन्होंने लिखा है कि बुलेट ट्रेन इन इंडिया, पहले 2022, फिर 2023 और अब 2026, बुलेट ट्रेन को दौड़ने में देरी क्यों। अब देखिए नीचे है, 2022 तक हर घर में होगी 24 घंटे बिजली, प्रधानमंत्री पीएम। दूसरा देखिए, शौचालय, बिजली और गैस के बाद अब हर घर तक पानी पहुंचाएगी मोदी सरकार। लास्ट वाला देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 तक होगी $5,000 अरब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2022 तक समृद्ध होगा देश का अन्नदाता, किसानों की आय होगी दुगनी, पीएम मोदी। जी हाँ, तो ये तमाम तरह के दावे और वादे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किए थे, देश से कहा था। आए थे 2014 में तो कहे थे कि भाइयों बहनों, हमारा चुराया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, काला धन का वादा था, काला धन वापस आएगा इसका वादा था, 15 लाख आपके खाते में आएंगे उसका वादा था। हम आपको एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। हम आपको जो भी वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और वो वादा जो उन्होंने किया था वो भी हम आपको सुनाएंगे। जो मेन मुद्दे थे वो क्या था, मेन मुद्दा था प्रधानमंत्री ने कहा था काला धन वापस आएगा, उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगा, हर घर पक्का मकान होगा सबको, अर्थव्यवस्था $5,000 अरब पहुंच जाएगी, ये तमाम चीज़ें थी। इसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल, साल बदलता गया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जुमला है वो नहीं बदला। साल बदल गया, साल बदलते चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जुमला नहीं बदला। वो एक के बाद हर साल आते गए, हर साल आते गए, और लेकिन हुआ उसमें से कुछ भी नहीं। हम जाते जाते आपको नरेंद्र मोदी जी के कुछ वो भाषण सुना देना चाहते हैं, वो दावे और वादे, वो जो उन्होंने किए थे इतिहास में, जैसे काला धन, बुलेट ट्रेन और किसानों को लेकर जो कहा था, अर्थव्यवस्था को लेकर कहा जाता, वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे जाते जाते। उस बयान को सुनिएगा और फिर आत्ममंथन कीजिएगा कि पीएम मोदी जुमलेबाजी के अलावा और क्या करते हैं। सिर्फ जुमलेबाजी ही तो है, और क्या है। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक
हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर हो। देश की जनता पूछ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी बता दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी उसी तरीके से बढ़ रही है, महंगाई उसी तरीके से बढ़ रही है, लेकिन आप वादे पे वादे किए जा रहे हैं और इधर जनता की कमर टूटती चली जा रही है, वादा पूरा हो नहीं रहा, जनता टूटती जा रही है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर सोचना चाहिए कि सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा भी करना होता है। तो आखिर कब तक नरेंद्र मोदी जी ये वादा पूरा करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और अगर दोस्तों आपको मेरी बात सही लगी हो, आप मेरी बात से सहमत हों, तो कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।